जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी, किसने कहा केजीएफ की रानी को किल लेडी, और क्या रामचरण और केजीएफ की टीम के बीच पक रही है खिचड़ी, क्या केजीएफ पर डाल रही है ये फिल्म प्रेशर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर वन से फिल्म प्रेमियों का दिल जीतने वाली रानी यानी की श्रीनिधि शेट्टी अब फिल्म के दूसरे चैप्टर के साथ आ रही है। केजीएफ आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक है और श्रीनिधि शेट्टी एक्शन ड्रामा केजीएफ चैप्टर टू में यश की प्रेमिका की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो प्रशांत नील द्वारा अभिनीत है। दोस्तों, बता दूं कि श्रीनिधि ने 21 अक्टूबर को अपना 28वां जन्मदिन मनाया था और उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें विश करते थके नहीं थे और उनकी फिल्मों से उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दिए। केजीएफ चैप्टर 2 के निर्माताओं ने बोदे गर्ल का एक न्यूज पोस्टर भी शेयर किया और खुलासा किया कि वो इस एक्शन में रीना देसाई की भूमिका को आगे ले जाएंगी। उन्होंने पोस्टर को कैप्शन दिया, केजीएफ की हमारी किलेरी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्रीनिधि शेट्टी उर्फ रीना देसाई। ये जानने के लिए उत्सुक है कि केजीएफ चैप्टर 2 में रीना क्या लेकर आएंगी, प्यार, क्रूरता और क्या नहीं। दोस्तों, केजीएफ की कहानी रॉकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड्स के वारिस को मारने का काम मिला है। अपकमिंग फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज और सोनू गोड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन और लेखन प्रशांत नील ने किया है, जिन्होंने फिल्म के पहले भाग का निर्देशन भी किया है और इसका निर्माण विजय किरांगूर ने अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत किया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही मेगा पावर स्टार रामचरण ने केजीएफ और सलार प्रसिद्ध के प्रशांत नील और बड़े बजट की फिल्म RRR के निर्माता डीवी विदान्या के लिए डिनर होस्ट किया था। प्रोडक्शन हाउस डीवी विदान्या एंटरटेनमेंट के प्रशांत नील और डीवी विदान्या के साथ रामचरण की एक तस्वीर शेयर करके इसकी कन्फर्मेशन दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दशहरा की शाम पर उन्होंने रात के खाने पर बैठक की थी और RRR निर्माताओं के मेहमान मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ उनके घर पर डिलाइटफुल डिनर को होस्ट करने के लिए रामचरण को धन्यवाद दिया था। इस खबर को जानने के बाद दोस्तों, रामचरण के कई फैंस ने प्रशांत के साथ काम करते देखने की उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये केजीएफ जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वहीं नाइटम के प्री रिलीज इवेंट में दोस्तों, रामचरण ने प्रशांत नील के साथ अपनी अफवाह वाली फिल्म पर एक दिलचस्प बयान देते हुए अपने फैंस का दिल तोड़ दिया है। जब रंगस्थलम स्टार से मीडिया ने पूछा कि क्या वो प्रशांत नील के निर्देशन में किसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हमने फिलहाल साथ में सिर्फ डिनर किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो सही समय पर हर चीज की घोषणा करते रहेंगे। केजीएफ जहां अगले साल 14 अप्रैल के लिए तैयार की जा रही है, तो वहीं दोस्तों RRR जनवरी के लिए। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों फिल्मों के बीच एक कनेक्शन निकल कर सामने आया है, वो ये है कि फिल्म केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील RRR के स्टार रामचरण के साथ कोलैबोरेट करने जा रही हैं, लेकिन अपनी इस मेगा बजट पैन इंडिया फिल्मों के चलते फिलहाल रामचरण और नील दोनों ही प्रोजेक्ट की घोषणा के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या होगा आगे, क्या RRR और केजीएफ के अलग अलग रिलीज होने के बावजूद इन दोनों फिल्मों पर एक दूसरे का प्रेशर रहेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर हैं सिमरन रावत।